हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बैडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सब आनंदपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। साथ में मैं कोशिश करता हूं कि आपके इस इनर्ट जो लाइफ जो अस्थायी रूप से उत्पन्न हुई है उसमें अपनी वीडियोज़ के थ्रू जो है कुछ एक्टिव जो है रोल अदा कर सकूँ, कुछ सक्रिय भूमिका आपके जीवन में सकारात्मक रूप से निभा सकूं, इसी बात की जो है वो कोशिश है लगातार मेरे द्वारा की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसका पूरा बेनिफिट उठाइए और कम से कम पढ़ाई से आपका एक संपर्क जो है बना रहे। तो हमारे वीडियोस किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि अब इस लॉकडाउन की पीरियड में जहां सोशल डिस्टेंसिंग ही जो है समस्या का समाधान दिखता है, पास आने का अब एकमात्र जो तरीका है वो है वास्तव में कमेंट्स के थ्रू जो है अपने भावों को, विचारों को रखिए वहाँ पर और संवादहीनता की जो स्थिति है उसको जो है दूर करिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अब तक हमने जो भी जानकारियाँ दी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन की बात करेंगे और वो है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था। हमने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन जो हुए, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उससे संबंधित चार वीडियोस बनाए, लेकिन उस क्रम में हमने वहीं पे बताया था कि 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन हो या फिर 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, यानी जो जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग अलग से बात करेंगे। और इसी के तहत जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की हमने एक वीडियो बनाई थी, आज जो है हम लोग बात करेंगे 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो है दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का जो नरमपंथी और गर्मपंथी जैसे दो दलों में विभाजन हुआ था, हमने आपको बताया था कि इस विभाजन से लाभ ना तो नरमपंथियों को मिला ना ही गर्मपंथियों को मिला, लाभ किसको मिल गया, अंग्रेजों को। कहते हैं ना, दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो फायदा तीसरा उठाता है, तो वही चीज यहां पे हुई कि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों आपस में लड़ गए, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ, फायदा किसको मिल गया, ब्रिटिश सरकार को। और यही बात जो है वो कहे कि बाद में दोनों ने समझा, विशेषकर गर्मपंथियों ने समझा जिन्होंने नरमपंथियों की राजनीति को जो है भिखमंगी राजनीति कहकर आलोचना की थी, फिर बाद में जब वो समझ में आई कि नहीं ये गलत बात है, हम लोगों को साथ में रहकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक संगठित आंदोलन चलाने के लिए साथ में रहना जरूरी है ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए। और यही वजह रहता है कि 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है और उसमें नरमपंथी और गर्मपंथी जैसे दो दल जो है वो मिलकर फिर से एक हो जाते हैं। तो 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है, विभाजन होता है, और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों मिलकर फिर से एक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक बात हुई। अब हम लोग यहां पर इस वीडियो में देखिए, ये छोटी सी बात है कि अगर हम कहें कि भाई नरमपंथी और गर्मपंथी दल मिलकर एक हो गए तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग इस बात को समझेंगे कि वास्तव में क्या रीजन थे, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने दोनों को फिर से करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही जो समझदारी है, यही जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो जरूरी है, जो हम सारे अधिवेशनों की श्रृंखला में हम एक कह सकते हैं लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में स्पेशली वहां पर अलग जगह जो है वो दे नहीं सकते थे। और देने पर फिर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस जो है उन सारे अधिवेशनों में कहीं ना कहीं खो जाता, इसलिए हमें यह लगा कि यह इतना इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, सेशंस है, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों दल मिलकर एक हो गए, तो हमें यह बात करनी है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ा किनारे रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लखनऊ कांग्रेस सेशन में हुआ, वहां पर क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गठबंधन हुआ। एक तरफ नरमपंथी और गर्मपंथी दल मिलकर एक हो गए, दूसरी तरफ कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ जो है समझौता हुआ। अब आप कहोगे कि भाई ये जो है कितना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, तो लखनऊ पैक्ट होने से मतलब कह सकते कितनी बड़ी बात हो गई,
कि ये जो है उसको एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर जो है लखनऊ अधिवेशन को प्रदान करता है। तो इसमें यहां पर यह समझना है कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ ही था कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए, भारत के मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए, भारत के मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त बनाने के लिए। जब उसका मकसद ही था कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन करना, मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकना, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अपने में अपनी सदस्यता जो है वो ग्रहण कराना, जिसका उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना था, आखिर में वो कांग्रेस के करीब क्यों आ गए? कोई ना कोई तो बात होगी ना, जब हमारा विरोध, हमारा मकसद है आपका विरोध करना, लेकिन क्या होता है कि फिर बाद में हम और आप मिलकर एक हो जाते हैं, तो जिसकी नीति ही थी आपका विरोध करना, फिर आपके करीब कैसे आ गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये निश्चित रूप से एक कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन की जो है वो मांग करता है, और इसीलिए हमने एक अलग वीडियो जो है इस पर बनाना उचित समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कह सकते हैं वीडियोज की का जो थीम है, उस थीम की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि जो है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले बात हमने जो लिखा है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, ये छोटी सी बात है और छोटा सा फैक्ट है, इसको आप समझिएगा। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी। पहली बात हुई, जैसा कि हमने बताया, नरमपंथी और गर्मपंथी दल मिलकर फिर से एक हो गए, और इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दोनों के एक करने में? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का मुख्य रूप से योगदान रहा नरमपंथी और गर्मपंथी के आपस में फिर से मिलने का, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो महत्वपूर्ण बात हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, जो कह सकते हैं कि वह राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित थे, जो राष्ट्रवाद की भावनाओं से सराबोर थे, और सरोजिनी नायडू ने जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारा था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहकर पुकारा था, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात होगी। इसके आगे देखिए, अब जो सवाल है वो सवाल ये है कि गर्मपंथी और नरमपंथी मिलकर क्यों एक हो गए? हमने शॉर्ट में जो है चार पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, तिलक 1914 में जेल से रिहा हो गए थे, सोच में क्या आया था? बदलाव आया था। अब क्या सोच है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जो मतभेद हुए थे, जो विभाजन हुए थे, उसका सबसे मुख्य जो कारण हमने बताया था, वो कारण बताया था कि दोनों में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, जो वैचारिक मतभेद थे, और वो वैचारिक मतभेद क्या था? तो नरमपंथी शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में विश्वास करते थे, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखते थे, सरकार नहीं मानती थी फिर से रखते थे, सरकार नहीं मानती थी फिर से रखते थे, और बार बार ऐसा करते थे, इस धैर्य के साथ करते थे कि कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार हमारी बात को मानेगी। बावजूद इसके, अगर ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती थी, तो वो कुछ दिनों तक शांत रहते थे, फिर कुछ दिनों के बाद वही प्रक्रिया स्टार्ट करते थे। यानी सरकार अगर उनकी बातों को नहीं मानती थी, तो वो किसी उग्र आंदोलन का प्रदर्शन नहीं करते थे, वो हड़ताल की बात नहीं करते थे, जुलूस की बात नहीं करते थे, बहिष्कार की, मास मूवमेंट की बात नहीं करते थे। इसलिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन का तरीका उनका था, और इसीलिए वे नरमपंथी कहलाते थे, इसीलिए वे उदारवादी कहलाते थे, इसीलिए ये लोग मॉडरेट्स कहलाते थे, इसीलिए ये लोग लिबरल्स कहलाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब गर्मपंथियों की बात करें, तो गर्मपंथी क्या थे? उनका कहना था कि ये जो नरमपंथियों की जो राजनीति है, सरकार के समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी फिर से रखेंगे, ये भीख मंगी राजनीति है, ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है। उनको ऐसा लगता था कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, ठीक है, ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, और इससे हिंदुस्तान को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों का ये मानना था, गर्मपंथियों का, जो लाल बाल पाल अरविंदो घोष का, उनका कहना था कि स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता है, लड़ने से मिलता है। और बाल गंगाधर तिलक, जो सबसे खतरनाक, सबसे उग्र गर्मपंथी थे, उनका तो ये कहना था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, सरकार नहीं मानेगी हड़ताल करेंगे, सरकार नहीं मानेगी जुलूस निकालेंगे, सरकार नहीं मानेगी बहिष्कार करेंगे, सरकार इस पर भी
बात नहीं मानती है तो हम जनता का साथ लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जोरदार, एक सशक्त जन आंदोलन को जन्म देंगे। यही इनकी पॉलिसी थी, यही उनमें एग्रेशन जो था उसकी वजह से उनको उग्रपंथी कहा गया, इसकी वजह से उनको गर्मपंथी कहकर पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि उनके तरीके सौम्य थे, उदार थे, इनके तरीके उग्र थे, थोड़ा एग्रेशन था, थोड़ा उसमें गर्माहट ज्यादा थी, ठीक है, थोड़ा सा जो है आक्रामकता ज्यादा थी, इसलिए उनको उग्रपंथी कहा गया, गर्मपंथी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे नरमपंथी हो चाहे गर्मपंथी हो, दोनों की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं थी। वो केवल एक एग्रेशन ये दिखता था कि भाई नहीं मानेंगे हम जुलूस निकालेंगे, नहीं मानेंगे हड़ताल करेंगे। तो इससे हड़ताल करना या जुलूस निकालना शांतिपूर्ण तरीके से, ये कोई हिंसा जनित जो है वो क्या है कि आज के लोकतांत्रिक जो दुनिया है उस दुनिया में कहीं पर भी जो है इसको माना नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये लोग हड़ताल जुलूस इस तरह की बात करते थे, तो थोड़ा सा लेकिन एग्रेशन था नरमपंथियों की राजनीति की तुलना में, इसलिए वो गर्मपंथी कहलाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कह रहे हो, नरम पंथियों की राजनीति को भिखमंगी राजनीति कह रहे हो आप, पॉलिटिकल मंडिकेंसी कह रहे हैं आप, कहते हैं कि प्रथम 20 वर्षों में नरम पंथियों के दौर में कांग्रेस भारत के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। हमने आपको बताया था, पहला वीडियो देखिएगा जो राष्ट्रीय आंदोलन का परिचय जो है हमारा है, आप हो सके तो वो वीडियो देखिएगा, हमने उसमें बताया था कि वास्तव में क्या है कि नरम पंथियों की जो राजनीति है उसको भिखमंगी राजनीति कहकर, और यह कहकर कि प्रथम 20 वर्षों में नरम पंथी भारत के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सके, ये वास्तव में गलत कदम होगा, गलत बात होगी, और इनकी उपलब्धियों का सामान्यीकरण करने के जैसा होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो पट्टा भी सीता रमैया ने इसके लिए बहुत ही सारगर्भित बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मकान की उस नींव को क्या दोष देना सही होगा जिसने की जो है वो क्या है कि उसकी जो है नींव तैयार की, ठीक है, मकान की उस नींव को क्या दोष देना सही होगा जिसने की पूरी जो है बुनियाद को बड़े संभल कर जो है वो तैयार किया था। ये पट्टा भी सीतारमैया ने जो है वो कहा था, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने जो है पट्टा भी सीतारमैया ने यह बात कही थी कि मकान की उस नींव को क्या दोष देना सही है जिस पर की पूरी इमारत जो है वो खड़ी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, मुझे एक लाइन याद आती है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि दोनों का हक था उस मकान पर, फर्क सिर्फ इतना था कि नींव ने छुपा लिया और छत ने उसे जता दी थी। नींव कौन है, नरमपंथी। नींव जो है वो दिखता नहीं है, नरमपंथियों के जो योगदान है वो योगदान अदृश्य है, वो इनविजिबल है, लेकिन जो इमारत बनाया गर्मपंथी या फिर महात्मा गांधी की बात करें उसके बैकग्राउंड को तैयार तो नरमपंथियों ने ही किया था ना। तो नरमपंथियों की जो नींव वाली जो भूमिका है वो दिख तो नहीं रही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो नरमपंथियों ने ही तैयार किया था। और नरमपंथी ऐसा क्यों करना चाहते थे इसका भी रीजन हमने बताया था, क्योंकि नरमपंथी इस बात को भली भांति समझते थे कि अभी ब्रिटिश सरकार को खुलकर चुनौती देने का समय नहीं आया है, और इसलिए जो है वो क्या थे, नरमपंथी थे। कुछ कमियां थी, लेकिन उन कमियों की वजह से उनकी उपलब्धियों का सामान्यीकरण करना, उनके लिए उनकी जो राजनीति है उस राजनीति को भिखमंगी राजनीति कहना, ये कहीं सही नहीं है। यही सब जो परिणाम रहा उसमें क्या हुआ, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसमें मारपीट हो गई, जूते चप्पल चले, ठीक है ना, उसमें विभाजन हो गया, इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कड़वाहट इतनी ज्यादा प्रखर हुई, जूते चप्पल जब चल गए तो फिर कोई बात यहां पे साथ में रहने की थी नहीं, इसलिए 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब यहां पे 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा भी हुई, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है उनका जो पार्टिसिपेशन था, प्लस जो है कुछ कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ लेख की वजह से उनको 6 वर्ष की कैद की सजा हो गई बर्मा के मांडले जेल में। तो वहां जब फुर्सत के क्षण में जब अपना समय व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने उस दौरान इस बात को महसूस किया कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है भारत की आजादी,
या भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन जो है कोई ठोस अधिकार दिलाने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य तो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। तो उन्होंने मन ही मन उधर जो है इस बात का प्रण कर लिया था कि जब भी मैं हिंदुस्तान वापस लौटूंगा, जब हमारे जो कह सकते हैं कि कैदी जीवन जो है वो खत्म होगा, जब मैं वापस निकलूंगा हिंदुस्तान जाऊंगा, तो सबसे पहले नरमपंथियों को गर्मपंथी के करीब, यानी दोनों मिलकर फिर से एक होंगे, ये इंटेंशन वो जो है वो कह कि वहां पर बदलाव आ गया था। उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि नरमपंथी का या गर्मपंथी दोनों अगर बिखरे रहेंगे तो इसमें मजबूत ब्रिटिश सरकार हो जाएगा और फिर भारतीयों को नुकसान ही नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो वहां पर जो उन्होंने ये सोचा, तो उनकी दृष्टिकोण में जो एक बदलाव आया, इसलिए जब हिंदुस्तान वापस आए तो एनी बेसेंट का साथ मिला और उसके बाद फिर जो है वो कोशिश हुई, फिर कुछ ऐसा रंगत मतलब जो है वो आया राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में, वहां पर जो है फिर मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। अब आप सोचोगे कि भाई डेथ इन दोनों की हो गई तो इससे समझौते कैसे हो गए, तो यहां पर यह समझना है कि जैसे गर्मपंथी में सबसे उग्र जो है बाल गंगाधर तिलक थे ना, उसी तरह से नरमपंथी में सबसे कट्टर नरमपंथी जो है वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो मारपीट हुई थी उसकी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो है गर्मपंथियों से एकदम जो है वो चिढ़ गए थे और वो किसी भी सूरत हाल में नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में समझौता चाहते ही नहीं थे, और जब तक वो थे उन्होंने किसी सूरत हाल में गर्मपंथियों को अपने करीब लेकर नहीं आए। लेकिन 1915 ईस्वी में क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की कह सकते हैं कि बारी बारी से उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने से देखिए हुआ क्या, एक बहुत दुखद खबर थी, लेकिन इससे इसका क्या हुआ असर, असर ये हुआ कि नरम पंथियों में जब कह सकते हैं कि इन दोनों की डेथ हो गई तो नरम पंथियों का गर्म पंथियों के प्रति जो एक नकारात्मक एक कट्टर नकारात्मक जो है जो भाव थे वो भाव जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगे। तो जो है जिनकी वजह से गर्म पंथी फिर दोबारा नहीं आ पा रहे थे, नरम पंथी उनसे मिल नहीं पा रहे थे, उन दोनों की डेथ हो गई और डेथ होने की वजह से नरम पंथियों में जो एक नकारात्मक भाव थे गर्म पंथियों के लिए वो खत्म हो गए, और खत्म हो जाने की वजह से गुंजाइश बनी एक दूसरे के फिर से करीब जो है वो आने की। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बिपिन चंद्र पाल राजनीति से अस्थायी रूप से संन्यास ले लिया। अब यहां पे देखिए ये भी समझना है कि बाल गंगाधर तिलक थे, साथ में बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंदो घोष हो गए। तो अगर आप देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का दृष्टिकोण ही चेंज हो गया, बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से अस्थायी रूप से संन्यास ले लिया, सीन से एक प्रकार से गायब थे। अरविंदो घोष जो है 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है, उस अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है क्या है कि कह सकते हैं कि अरविंदो घोष के जो भाई थे वारिंद्र घोष उसमें इन्वॉल्व थे और उन्हीं की वजह से क्या हुआ कि अरविंदो घोष को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस समय अरविंदो घोष का मुकदमा जो है चितरंजन दास ने लड़ा था और अरविंदो घोष उसमें निर्दोष सिद्ध हुए तो उनको जो है मतलब उनको बरी कर दिया गया। तो अरविंदो घोष को फिर यह लगा कि अब सक्रिय राजनीतिक भूमिका जो है वो क्या है कि वो ब्रिटिश सरकार को हमारे दमन के लिए उत्प्रेरित करेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया राजनीति से संन्यास ले लिया और वो चले गए पांडिचेरी और एक महान फिलोसोफर बन गए। वहां पे ओरोविले आश्रम की स्थापना उनके शिष्यों ने किया, अरविंदो आश्रम है वहां पर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अरविंदो घोष ने परमानेंटली राजनीति से संन्यास लेकर वो एक महान दार्शनिक बन गए। तो अरविंदो घोष भी जो है वो रास्ते से चले गए। फिर जो है फिर क्या बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से अस्थायी रूप से संन्यास ले लिया। जो लाला लाजपत राय थे वो क्या है अमेरिका चले गए और बाल गंगाधर तिलक के विचारों में परिवर्तन ही आ गया। तो गर्म पंथियों में जो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे उन सब में या तो वो निष्क्रिय हो गए या फिर वैचारिक परिवर्तन हो गया, तो उससे क्या हुआ कि गुंजाइश बनी और नरम पंथियों में जो अवरोधक जो भूमिका अदा कर सकते थे गर्म पंथियों को करीब लाने में वो जो है वो क्या थे फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी और इस वजह से दोनों का एग्रेशन जो है वो कहा जाता है कम हुआ और फिर नरमपंथी और गर्मपंथी जैसे दो दलों में फिर से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम कांग्रेस मिलकर फिर से एक हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चौथी बात देखिएगा एनी बेसेंट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। एनी
क्रिसेंट के बारे में हमने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो उसमें जो है उसमें आपने पढ़ा होगा थियोसोफिकल सोसाइटी, और उस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम पी ब्लावत्सकी और कर्नल एच एस ऑलकॉट ने किया था, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थापित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर 1879 में ये सब इंडिया आ गए, और 1883 ईस्वी में 1882 या 83 एडी में अडयार मद्रास में उन लोगों ने अपना मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थापित किया, जो थियोसोफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना। आप सोचिए न्यूयॉर्क में स्थापना जिसकी हुई, 1879 में हिंदुस्तान आया, 1882 में अडयार मद्रास को हेडक्वार्टर बनाया, जो कि बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया। 1893 एडी में इसी थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान के कल्चर से वो काफ़ी प्रभावित थी, धर्म से, अध्यात्म से काफ़ी प्रभावित थी, यहाँ पे अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगी। और इसी परिस्थितियों में 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसे 1915-16 ईस्वी में मदन मोहन मालविया के द्वारा उसे जो है BHU में क्या है तब्दील कर दिया गया, ठीक है, BHU में तब्दील कर दिया गया। तो ये एनी बेसेंट की भूमिका थी, चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि अभी तक 1910 तक जो है आप समझ लीजिए कि उनकी जो भी भूमिका हिंदुस्तान में थी वो धर्म के क्षेत्र में थी, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अभी उनकी कोई जो है महत्वपूर्ण सक्रिय जो भागीदारी है वो भागीदारी नहीं हो रही थी। लेकिन 1910 के दशक के बाद फिर जो है 10 और 20 के दशक का जो बीच का समय रहता है उसमें एनी बेसेंट धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में भी जो है वो क्या है कि इन्वॉल्व होने लगी। और इन्हीं परिस्थितियों में 1914 ईस्वी में जब बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होकर, बर्मा के मांडे जेल से रिहा होकर जब हिंदुस्तान आए, तो एनी बेसेंट का हिंदुस्तान में साथ मिला, और इन दोनों ने मिलकर एक बेहतर जो है माहौल बनाया नरमपंथी और गर्मपंथियों को करीब लाने में। और दोनों के ही प्रयासों से फिर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी मिलकर फिर से एक हो गए। समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। तो क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे, ये एक मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स वगैरह सब में भी आ सकता है, एग्जाम्स में क्या डिफरेंट लेवल पे जो है वो क्या के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण। अब आते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कैसे हुआ था, ठीक है ना। देखिए इसके समझने के लिए आप कुछ बात जो है वो कह के समझ लीजिए कि 1905 ईस्वी में 1905 एडी में बंगाल का विभाजन हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्या सोचकर किया था कि राष्ट्रवाद का ये गढ़ है, अगर दो हिस्सों में इसका विभाजन कर देंगे तो राष्ट्रवाद विखंडित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कर्जन की यह सोच जो है सत्य सिद्ध नहीं हो सकी। बंगाल के विभाजन से राष्ट्रवाद कमजोर होने के बजाय वह और भी संगठित हो गया, और संगठित होने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जोरदार सशक्त भारत के प्रथम जन आंदोलन को जन्म दिया, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहते हैं। हमने आपको बताया था, ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे GS हो, किसी भी कोई भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ठीक है। इसलिए इसको आप किसी खांचे में मत बांटिए कि SSC का है, ये IAS का है, ये PCS, ये सब जगह यूनिवर्सिटीज वगैरह कहीं पर भी कोई भी एग्जाम्स होते हैं सब में ये कारगर जो है भूमिका अदा करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि तिलक जो है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, तो क्या हुआ 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने जो सोचकर बंगाल का विभाजन किया वो हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि अब जो है इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अगर इस राष्ट्रवाद को हम कमजोर नहीं करेंगे, और जो मुस्लिम्स है मुस्लिम्स को अब हमें हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना होगा, और उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होगी, और इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप 1906 ईस्वी में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, मुस्लिम लीग का देखिए क्या है, ये कांग्रेस आप मान लीजिए, ठीक है ना, मुस्लिम लीग का और ये ब्रिटिश सरकार है, ठीक है। मुस्लिम लीग का देखिए उद्देश्य क्या होगा, बल्कि इसको जो है थोड़ा सा एक मिनट और
और इसको अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि जिस ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर जो है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको अलग से पेज बनाते हैं, ठीक है? अभी आप समझिए कि ये आप मान लीजिए कि मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग है, संगठन है मुस्लिम लीग, ठीक है? ये जो है कांग्रेस है, कांग्रेस हो गया, ये जो है ब्रिटिश सरकार है और ये भारत के मुस्लिम्स, ठीक है? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का देखिए उद्देश्य क्या था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अपना सदस्य बनाना, मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकना, इन सारे मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त बनाना। यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका पूरा उद्देश्य है इसके प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन करना और सारे मुसलमानों का साथ लेना और कांग्रेस का पुरजोर विरोध करना, यह मकसद था। अब सवाल यह उठता है कि जिस मुस्लिम लीग का गठन ही हुआ था कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए, फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब क्यों आए? तो ये एक सवाल है, लेकिन इसके पहले गठन हुआ था कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए, यहां पे हमने लिखा है दिसंबर 1906 में। इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा फैक्ट भी जान लीजिए, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इसके बाद वकार उल मुल्क आगा खान, ये सब इसके संस्थापकों में से थे, ठीक है? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए कारण क्या था, कारण यहां पर समझिएगा क्यों मुस्लिम लीग कांग्रेस के जो है वो करीब आई, ठीक है? सबसे पहली बात समझिए कि हुआ क्या था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, फिर से पढ़िएगा, फिर से देखिएगा वीडियोस, ठीक है? स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है ना? बंगाल का विभाजन हुआ तो विभाजन क्यों किया जा रहा है, लॉर्ड कर्जन ने इसके संबंध में मुसलमानों को लुभाने के लिए एक बात कही थी कि बंगाल के विभाजन से मुसलमानों को वह लाभ मिलने वाला है जो कभी उसे तुर्कों और मुगलों के जमाने में भी नहीं मिला। इसी प्रकार ब्लूमफील्ड फूलर ने कहा था, अंग्रेजों की दो प्रिय पत्नियां हैं, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू, और इसमें भी मुस्लिम्स विशेष रूप से पसंद है, ठीक है? अब आप देखिए क्या है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि विभाजन से वह लाभ मिलने वाला है जो कि अरबों और तुर्कों के जमाने में भी नहीं मिला, ठीक है ना? लेकिन जो है फिर क्या हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार जो हमने आपको बताया, उस दिल्ली दरबार में क्या हुआ, वहां पर आपने देखा होगा कि दिल्ली दरबार में जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी, जो विभाजन हुआ था उस घोषणा को रद्द कर दिया गया, फिर से मिलाकर एक कर दिया गया, या धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ था वो हटाकर भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो मुसलमानों को जो लाभ मिला था वो लाभ तात्कालिक था, वो क्षणिक सिद्ध हुआ और फिर से जो है वो क्या हुआ कि मुस्लिम से पुरानी स्थिति में वापस आ गए। तो मुसलमानों ने बड़ा छला हुआ महसूस किया, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने, उनको ये लगा कि केवल जरूरत थी जब तब उन्होंने हमें रियायत दी और जरूरत खत्म हो गई तो फिर हमारी रियायत को वापस छीन लिया। तो मुस्लिम्स के मन में, मुस्लिम लीग के सदस्यों के मन में यह बात जो है वो क्या है कि घर कर गई, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान को इस तरह से बरगलाया कि मुस्लिम्स को भी यह लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारी हितैषी है। और इसीलिए क्या हुआ था कि 1875 में जो अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल पहले बना, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, फिर उस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ये जो मुस्लिम लीग और मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दे 1912-13 ईस्वी के आसपास में। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुस्लिम लीगों को, लीग को जो है सदस्यों को ये लगा कि ये ब्रिटिश सरकार केवल बात करती है कि हम आपके आपके हितैषी हैं, तो हितैषी अगर हैं तो हमारी बात को क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कोई सकारात्मक जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी प्रकार 1912-13 ईस्वी में क्या हुआ, बाल्कन का युद्ध हुआ था जिसमें तुर्की की स्थिति मित्र राष्ट्र के खिलाफ जो है वो काफी खराब हो गई थी। अब आप सोचिए तुर्की जो है वो क्या था, उस समय पूरे दुनिया के मुसलमानों का प्रधान होता था वहां का सुल्तान जो खलीफा कहलाता था, ठीक है ना? तो क्या होता था कि तुर्की के साथ किसी तरह का कोई बुरा सलूक अगर होता था तो पूरे दुनिया के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो 1912-13 ईस्वी में जो बाल्कन युद्ध हुए थे उसमें तुर्की की स्थिति बहुत खराब थी,
और उसके अगेंस्ट में जो लोग थे उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, इटली था, ठीक है, ये सब जो है। तो ये बात जो है वो क्या है कि नरम जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन सदस्यों को बड़ा नागवार गुजर रही थी कि तुर्की के साथ बुरा सलूक हो रहा है। इवन कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और तुर्की जो है मित्र राष्ट्र के विरोधी खेमे में शामिल हो गया था, तो उस समय भी जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार या मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था उससे भी मुसलमान जो थे भारत के मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनका धीरे धीरे एक मोहभंग हो रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग के अंदर भी जो है भारत मतलब युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते थे, ठीक है। उनको ये लगता था, मुस्लिम लीग के ही युवा वर्ग जो थे उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो अपनी जगह पे सही है, और उनको तो इसलिए मुस्लिम लीग को ये लगता था कि अगर हम कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ये युवा सदस्य हमें छोड़कर जो है वो कांग्रेस में चले जाएंगे। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा कारण था। और एक और जो है ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो क्या है कि जैसे देखिए हमने आपको बताया 1912-13 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुआ, हमने आपको बताया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का कारण क्या था, तो पहला बताया 1912-13 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुआ था, तुर्की की स्थिति जो है वो खराब हो गई। फिर हमने आपको बताया था 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द हो गई तो मुसलमानों ने छला हुआ महसूस किया। फिर हमने बताया 1912 में अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का सपना जो है उनका अधूरा रह गया था, ठीक है। इसके बाद हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया, ये बताया। फिर हमने बताया मुस्लिम लीग के युवा नेता कांग्रेस की नीतियों की ओर जो है झुकने लगे थे। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास। यहां पे याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना कह सकते हैं कि 1937 के पहले तक जो है वो क्या थे, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे, वाकई थे, वो वाकई जो है बहुत बड़े जो है वो देशभक्त थे। वो क्या अक्सर कहा करते थे, मैं प्रथमतः राष्ट्रवादी हूं, द्वितीयतः राष्ट्रवादी हूं, तृतीयतः राष्ट्रवादी हूं। शुरू में जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के वास्तव में राजदूत थे, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा था। बाद में एटीट्यूड बदल जाता है, फिर 10 साल के भीतर भीतर 1937 के बाद पाकिस्तान बना लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, वो बहुत बड़ा जो है वो क्या है कि चर्चा का विषय है कि आखिर में क्या रीजन था कि इतना बड़ा महान देशभक्त जो है हिंदू मुस्लिम एकता का इतना बड़ा राजदूत बाद में क्यों बदल जाता है और क्यों फिर पाकिस्तान का जो है वो सपोर्टर हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो अलग डिस्कशन, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिएगा कि यहां पर अभी जो है मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत थे, ठीक है। और उनका क्या हुआ था कि वो जो है जब कह सकते हैं कांग्रेस में थे, कांग्रेस में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे, और 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना उस पार्टी के सदस्य बन जाए, मुस्लिम लीग के सदस्य बन जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार ये कहा कि मैं एक ऐसे संगठन का सदस्य बनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करता हो और जो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन करता हो। लेकिन मुस्लिम लीग लगातार कोशिश कर रही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ आ जाए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारत के मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकना ये जो है मुस्लिम लीग का उद्देश्य था, इसलिए वो मोहम्मद अली जिन्ना को अपने साथ करना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ठुकराते रहे। 1913 ईस्वी में क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है वो क्या करिए, मुस्लिम लीग का सदस्य बनिए और मुस्लिम लीग का सदस्य बनिए और युवाओं को समझाइए कि कांग्रेस का हित जो है आपका विरोधी नहीं है, देश का हित जो है साथ में लेकर चलने का है, इसलिए आप सब भी उनका साथ दीजिए। और कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ठुकरा दी। इस दौरान क्या हुआ कि वो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस के भी सदस्य थे, दोनों संगठन के जो है वो सदस्य थे। और उसके बाद जब वहां पे गए तो युवाओं को समझाया, मोटिवेट किया, ठीक है, उनको बतलाया कि कांग्रेस की नीतियां जो है किस तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ कह सकते खिलाफ है लेकिन मुसलमानों का विरोधी नहीं है, भारत के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जो है वो क्या है कि बात करती है। तो कहा जाता है कि उनका ही प्रयास था
कि अंततः जो है और सारी जो परिस्थितियां थी और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बनने के बाद उनके सदस्यों को जो है उन्होंने किस तरह से मोटिवेट किया, बताया किस तरह से कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर संघर्ष करना है और भारत की आज़ादी अगर चाहनी है तो हमें जो है वो क्या है कि मिलकर काम करना होगा। और उन्हीं के प्रयासों से फिर 1916 ईस्वी में अंततः जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ जिसे ही लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए एक बहुत गलत बात जो हुई, बहुत गड़बड़ बात हुई, वो ये हुई कि इसमें देखिए समझिएगा कि क्या हुआ। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग इस लखनऊ समझौते में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो बात ये हुई कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो सेपरेट इलेक्टोरेट जोन की बात मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम में हुई थी, उसको उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। यहां पे देखिए क्या होता है, पृथक निर्वाचन मंडल जो है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात जो है ये किस में किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिला था। अब यहां पे देखना है पृथक निर्वाचन मंडल होता क्या है, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि देखिए जैसे 1909 के अंतर्गत जो है मुसलमानों को मिला, तो मुसलमानों को मिला कि यानी कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका मतलब ये सारे मुसलमान हो जाएंगे और ये सब कौन हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके गैर मुसलमान। और इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट जोन, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार जो है वो दे दिया गया। अब इसका देखिए पृथक निर्वाचन मंडल जिसको इंग्लिश में सेपरेट इलेक्टोरेट जोन कहा जाता है, ये 1909 में मुस्लिम्स को मिला, 1919 में सिखों को भी मिल गया था, ठीक है। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिल गया, तो अब देखिए जिसको भी मिलता था, चाहे वो मुस्लिम्स को मिले सिख को मिले, उसमें होता क्या था, होता ये था कि कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब भी चुनाव होंगे उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन होगा, मुसलमान होगा, उसमें उम्मीदवार सिर्फ मुसलमान होंगे और उनको मतदान भी जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे, मुसलमान देंगे। यानी इन गैर मुसलमानों को इस चुनाव में किसी भी रूप में, या तो प्रत्याशी या फिर मतदाता, किसी भी रूप में उनको मतदान करने का या भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया। तो जब आप अपने क्षेत्र में नहीं, अब आप भाग ले पाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या दूसरे क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकते हैं क्या, क्या वहां पर जाकर आप जो है वो क्या है कि दावा कर सकते हैं कि मैं भी जो है यहां पर मतदान करूंगा। मतदान जो है जहां पे वोटर लिस्ट में आपका नाम है वहीं पर कर सकते हैं आप, किसी जहां तहां जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो है नहीं, तो है नहीं, तो ये जो है इस व्यवस्था से क्या होंगे, नाराज होंगे और ये अंग्रेजों की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है, वो अंग्रेजों की आलोचना करेंगे। लेकिन चूंकि मुस्लिम्स को इसमें फैसिलिटी मिली है इसलिए मुस्लिम्स क्या करेंगे, इस व्यवस्था का समर्थन करेंगे, वो पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन करेंगे, ये करेंगे विरोध, ये करेंगे अंग्रेज जो है ये गलत किया है, ये कहेंगे कि बहुत सही किया है हमें जो है वो क्या है, और ये इसका परिणाम क्या होगा, ये आपस में लड़ जाएंगे, ये बार बार इनको कहेंगे कि भाई ब्रिटिश सरकार ने हमें कुछ दिया है, तुम्हें क्यों ईर्ष्या है, तुम क्यों इसमें जलते हो, और ये बार बार कहेंगे कि भाई ये तो गलत है ना, आप मेरे ही अधिकार से वंचित कर दिया, और ये बार बार इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन क्या है कि वास्तव में क्या होगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये जो है खुश होंगे क्योंकि इनको सहूलियतें मिली है, ये नाराज होंगे क्योंकि इनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, और अंततः परिणाम ये होगा कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या होगी, पैसा फेंक तमाशा देख, यही है डिवाइड एंड रूल करो कोई पॉलिसी। आप सोचिए इसी की जगह पे 1919 ईस्वी में सिखों को ये मिल गया, ये अधिकार मिल गया, तो ये पृथक निर्वाचन मंडल का कि जो बात थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो मुस्लिम्स को मिला था, कांग्रेस लगातार उसका विरोध कर रही थी कि यह गलत है, ठीक है, वो लगातार इसका विरोध कर रही थी कि यह गलत है। लेकिन क्या हुआ, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग करीब आ गई तो कांग्रेस इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि उसे जो है उसने क्या किया कि उसने पृथक निर्वाचन मंडल का कि जो व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को मिली थी, कांग्रेस ने भी उसे मान्यता प्रदान कर दी, और ये जो है वो क्या हुआ कि एक तुष्टीकरण की जो नीति थी उसने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया
हमारे देश को। अनकंसियस माइंड में, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो अनकंसियस माइंड में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को एक अधिकार मिला पृथक निर्वाचन मंडल का, कि वो गैर मुसलमानों से अलग हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा जो एक फीलिंग है वो जो है वो क्या है कि उनको उनको ऐसा मिला, और ये बाद में जाके बड़ा खतरनाक जो है वो सिद्ध हुआ। और भारत में कह सकते हैं मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जो अलगाववादी जो नीति है उसमें ये जो है, जैसे हम कहते हैं ना कांग्रेस की क्या भूमिका रही, तो कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी होगी उस समय की परिस्थितियों में कि हिंदुस्तान विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग को कन्विंस नहीं कर सके या मोहम्मद अली जिन्ना को साथ में नहीं ले पाए। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि आप केवल और केवल मोहम्मद अली जिन्ना को दोष देंगे, आप कांग्रेस को दोष नहीं देंगे, ठीक है, या फिर ब्रिटिश सरकार को दोषारोपित करेंगे, हम लोगों की कोई कमियां। वास्तव में यहाँ पर सबका एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, रीजंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो है जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन अनकंसियस माइंड में ही सही जो है वो कुछ ऐसे कदम उठ गए, कुछ ऐसे जो है भावनात्मक जो है वो क्या है कि प्रयास हुए कि उसने जो है देश को नुकसान पहुंचाया, और फिर अंततः 1947 में विभाजन हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि हमने आपको 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में जो भी जानकारियां दी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और इसको इसीलिए हमने एक अलग वीडियोस बनाए थे, ठीक है, इसीलिए हमने एक अलग वीडियो में इसको जगह देना उचित समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जीवन में, आपके जीवन में यह वीडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, आपके नॉलेज को बढ़ाने में एक सक्रिय भूमिका अदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।